हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम इस तरीके के ब्यूटीफुल लटकन बनाने वाले हैं। इस तरीके के लटकन को आप अपने ब्लाउज में और नेक डिज़ाइन में, घाघरा में अटैच कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डोरी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 इंच की चौड़ाई की इस तरीके की तिरछी पट्टी कट कर ली है। अब हमें पट्टी को हमारी सीधी तरफ से इस तरीके से फोल्ड करना है और किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। पट्टी की किनारी पर सिलाई लगाने के बाद अब हम लूप टर्नर टूल की मदद से हमारी डोरी को इस तरीके से सीधी तरफ पलट लेंगे। इसी तरीके से हमें हमारी दूसरी डोरी को भी सीधी तरफ पलट लेना है। दोनों ही डोरी को सीधी तरफ पलटने के बाद अब हम लटकन के लिए फैब्रिक को कट करेंगे। लटकन के लिए मैंने यहाँ पर 4 इंच की लंबाई के और चौड़ाई के इस तरीके के 2 फैब्रिक के पीस को कट किया हुआ है। इन दोनों ही फैब्रिक की सीधी साइड को इस तरीके से हमें आमने सामने रखना है। फैब्रिक की साइड में करीब मैं यहाँ पर 1.25 इंच का मार्क करूँगी और किनारी पर सिलाई लगाऊंगी, लेकिन हमने जहाँ पर 1.25 इंच का मार्क किया हुआ है वहाँ पर हमें सिलाई नहीं लगानी है। इस तरीके से हम फैब्रिक की चारों तरफ सिलाई लगाएंगे, लेकिन हमें जहाँ पर 1.25 इंच का मार्क किया हुआ है वहाँ पर सिलाई नहीं लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ से कॉर्नर को इस तरीके से कट कर देंगे। चारों कॉर्नर को इस तरीके से कट करने के बाद अब हम यहाँ से हमारे फैब्रिक को इस तरीके से सीधी तरफ पलट लेंगे। फैब्रिक को इस तरीके से सीधी तरफ पलटने के बाद इस फैब्रिक के ऊपर हमें अच्छे से प्रेस कर लेनी है। फिर हम मैचिंग सुई और धागा लेंगे और 1.25 इंच का फैब्रिक जहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगाई थी वहाँ पर हम इस तरीके से हैंड स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर हमें हैंड स्टिच कुछ इस तरीके से लगानी है जिससे हमारा धागा है वो बाहर की तरफ ना दिखे। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से स्टिच लेनी है, फिर इसी के सामने इस तरीके से दूसरी छोटी वाली स्टिच लेते हुए इस तरीके से आगे की तरफ स्टिच लेते जाना है। इस तरीके से आमने सामने स्टिच लेने से आपका धागा है वो बाहर की तरफ दिखेगा भी नहीं और इस तरीके से हम इनविजिबल स्टिच यहाँ पर लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद एक्स्ट्रा धागे को हम इस तरीके से कट कर देंगे। अब हम फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ हम एक छोटा सा कट लगाएंगे। यहाँ पर कट लगाने के बाद हमने जो डोरी तैयार की हुई है उसे हमें यहाँ से इस तरीके से पिरोना है। इस तरीके से डोरी को दूसरी तरफ निकालने के बाद अब मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। जिस तरीके से मैंने मार्क किया हुआ है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। मार्क से हम फैब्रिक को इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते वक्त हमें हमारी डोरी को भी इस तरीके से अंदर की तरफ स्टिच में ले लेना है। इसी तरीके से हमें हमारे दूसरे मार्क पर भी इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पर इस तरीके से मोती को अटैच करेंगे, जिसके लिए हमें हमारा मैचिंग सुई और धागे को ले लेना है। फिर हम यहाँ से फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। 3 मोती को हम यहाँ पर इस तरीके से अटैच करेंगे। फिर हम सुई को ऊपर की तरफ इस तरीके से लेके जाएंगे और यहाँ पर जो ऊपर वाला मोती है उसमें से हम सुई को इस तरीके से वापस से निकालेंगे और हमारे मोती को कुछ इस तरीके से अटैच करेंगे। इसी तरीके से हमें हमारे लटकन की दूसरी 2 साइड पर भी इसी तरीके से मोती को अटैच कर लेना है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से दूसरे लटकन को भी तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ पर मैचिंग सुई और धागा लूँगी और हमने जहाँ पर सिलाई लगाई हुई थी वहाँ पर मैं इस तरीके से स्टिच लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने धागे की एंड में नोट ले ली है। यहाँ पर इस तरीके से सेंटर से हम हमारे सुई और धागे को निकालेंगे, फिर धागे को हम यहाँ से इस तरीके से खींच देंगे।
और फिर यहाँ पर हमें इस तरीके से नोट ले लेनी है। इसी तरीके से हमें हमारे दूसरे लटकन में भी स्टिच लगा देनी है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर हमारे दोनों ही लटकन को तैयार कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को हिट करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे।